हेलो एवरीवन, आज जो साइंस का टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो रहेगा आपका बैक्टीरिया यानी जीवाणु और प्रोटोजोआ यानी परजीवी से रिलेटेड। तो टारगेट हमारा आज भी वही है कि जो मेन क्वेश्चन कवर होते हैं एग्जाम में, एक इस वीडियो में सिंक्रोनाइज करने की कोशिश की गई है। चाहे आप किसी भी चीज़ के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मोस्टली चीज़ें आपको इस वीडियो में कवर हो जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं। बैक्टीरिया की अगर बात करते हैं तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका बनेगा कि बैक्टीरियोलॉजी, जिसमें हम जीवाणु का अध्ययन करते हैं, वो किसने स्टार्ट किया था या किस साइंटिस्ट को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। तो फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है ल्यूवेनहॉक को। ये एक डच साइंटिस्ट थे और 1683 में इन्होंने बैक्टीरिया की खोज की थी, 1683 में। बट जब इसके नामकरण की बात करते हैं तो ल्यूवेनहॉक ने नामकरण नहीं किया था। उन्होंने कहा था कि एक बहुत छोटा ऑर्गेनिज्म है जो उन्होंने स्टडी किया था, और इनको फर्स्ट माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी माना जाता है। ल्यूवेनहॉक के बारे में आपने ये दो तीन चीज़ें याद रखनी है। इन्होंने मसल्स फाइबर पे और प्रोटोजोआ पे भी काम किया था, और ल्यूवेनहॉक ने ही बैक्टीरियोलॉजी के बारे में सबसे पहले बताया था। इसके अलावा इन साइंटिस्ट ने जो RBC होती है, हमारे ब्लड में RBC रेड ब्लड सेल्स होती हैं, उनकी खोज का श्रेय भी 1674 में इन्हीं साइंटिस्ट को जाता है। तो ल्यूवेनहॉक एक इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट थे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करते हैं तो। बहुत सारे बायोलॉजी में इन्होंने बात की थी। नामकरण की बात आते हैं तो एहरनबर्ग एक साइंटिस्ट थे 1829 में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो बैक्टीरिया को जो प्रेजेंट नेम है बैक्टीरिया, ये किसने दिया था, जीवाणु का नामकरण किस साइंटिस्ट ने किया था। तो एहरनबर्ग वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1829 में नामकरण किया बैक्टीरिया का। उससे रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि किण्वन फर्मेंटेशन की थ्योरी ऑफ फर्मेंटेशन या फर्मेंटेशन का जो सिद्धांत है या प्रोसेस है उसके बारे में किस साइंटिस्ट ने बताया था। तो लुई पाश्चर वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्मेंटेशन के बारे में, किण्वन के बारे में सबसे पहले बताया। और ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि कौन सी थ्योरी दी जर्म्स के बारे में लुई पाश्चर ने। तो जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज, ये वर्ड आपने पर्टिकुलरली याद रखना है कि जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज किसने दी, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो एक साइंटिस्ट और आते हैं जिनका नाम था रॉबर्ट कोच। तो टीबी और हैजा के जीवाणु की खोज करने का श्रेय इन्हीं साइंटिस्ट को जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस साइंटिस्ट ने यह बताया था कि टीबी और हैजा जीवाणुओं की वजह से होता है। तो रॉबर्ट कोच आपने ये याद रखना है, 1881 ईस्वी में इन्होंने ये बता दिया था कि जो टीबी और हैजा जीवाणुओं की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनेगा वो बनेगा कि भाई उनकी शेप के आधार पर, स्ट्रक्चर के आधार पर हम जीवाणुओं को कितने भागों में बांट सकते हैं। तो मेन चार भाग होते हैं, ये आपने याद रखना है। एक रोड शेप होता है जो छड़नुमा आकार के होते हैं, उनको कहा जाता है बैसिली। जैसे बहुत कॉमन क्वेश्चन आपने देखा होगा कि दूध से दही को जमने में कौन सा बैक्टीरिया, कौन सा जीवाणु हेल्प करता है, तो लैक्टोबैसिलस के नाम से। तो बैसिली टाइप का वो छड़नुमा होता है तो उसका नाम लैक्टोबैसिलस है, जो दूध को दही में बनने में हेल्प करता है। फिर कोमा शेप जो बैक्टीरिया होता है उसको नाम दिया जाता है विब्रियो। स्फेरिकल यानी गोल जो होता है उसे कहा जाता है कोकाई, और जो स्पाइरल जो सर्पिला आकार होता है उसे कहा जाता है स्पिरिलिया या स्पेरिलियम के नाम से इनको कहा जाता है। यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने याद करना है कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन चारों में से सबसे छोटा जीवाणु कौन सा होता है, आकार के हिसाब से सबसे छोटा जीवाणु कौन सा होता है। तो जो स्फेरिकल है, जो गोल जीवाणु होते हैं वो सबसे छोटे होते हैं, ये आपने याद रखना कि सबसे छोटा कौन सा होता है। तो ये जो गोल होते हैं कोकाई वो सबसे छोटे होते हैं। और सबसे ज़्यादा संख्या में कौन से जीवाणु पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बैसिली लैक्टोबैसिलस जो दूध से दही के जमने में हेल्प करता है, ये संख्या में सबसे ज़्यादा होते हैं, ये संख्या में सबसे छोटे होते हैं। ये दो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके बन सकते हैं। अब बात करते हैं कि सबसे छोटी सेल किस जीव की होती है। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, लगभग 10 से 12 बार ये अलग अलग बोर्ड एग्जाम में रिपीट हो चुका है। इसको SSC भी पूछ चुकी है, इसको UPSC भी पूछ चुकी है, और हरियाणा बोर्ड वगैरह, बिहार, अलग अलग स्टेट जो एग्जाम होते हैं उनमें ये पूछा जाता रहा है कि सबसे छोटी कोशिका किस चीज़ की होती है। तो आपने ध्यान रखना है कि जो सबसे छोटी कोशिका है वो भी एक बैक्टीरिया की होती है, वो भी एक जीवाणु की होती है। उसका नाम है माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिक। कई जगह आपको माइकोप्लाज्म ही सिर्फ देखने को मिलेगा, तो माइकोप्लाज्म आपने याद रखना। पूरा नाम अगर याद करना चाहिए तो माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा का नाम से है, या माइकोप्लाज्म जेनिटेलियम के नाम से ये आपको देखने को मिलेगा। ये दोनों नाम आप याद कर सकते हैं।
नेक्स्ट, इसी जीवाणु को कई बार हम पीपीएलओ के नाम से भी जानते हैं। PPLO stands for Plasma Pleuro-like Organism। देखिए, अगर Mycoplasma Gallisepticum, Mycoplasma Genitalium या PPLO या PLO, कई बार डबल P की बजाय आपको सिंगल P भी ऑप्शन में देखने को मिल सकता है, that will stand for Plasma Pleuro-like Organism। ये आपने ध्यान रखना है, इस चीज का ध्यान रखना है। इसके साइज की अगर बात करते हैं, डायमेंशन की अगर बात करते हैं, मेजरमेंट की, तो 300 नैनोमीटर या 0.1 माइक्रोन, ये आपने पॉइंट खासकर ध्यान रखना है। एक्चुअल साइज एग्जैक्ट अगर इसके साइज की अगर बात करते हैं तो 300 नैनोमीटर या 0.1 माइक्रोन इसका साइज है। यहाँ पे गौर करने लायक ये बात है, देखिए जो सबसे बड़ा विषाणु था हमारा चेचक का विषाणु, जिसे हम पॉक्सी वायरस कहते हैं, पॉक्सी वायरस के कैटेगरी में आता है, उसका साइज भी 300 से 400 नैनोमीटर था। यानी सबसे बड़े विषाणु का साइज और सबसे छोटे जीवाणु का साइज ऑलमोस्ट बराबर है। अब बात करते हैं सबसे बड़े जीवाणु के, सबसे छोटा हम स्टडी कर चुके हैं, तो हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे सबसे बड़े जीवाणु या सबसे बड़े लार्जेस्ट बैक्टीरिया के बारे में बात करें, तो वो है थायोमार्गरेटा नेमिबियंसिस। ये आपने ध्यान रखना है, और इसके साइज की अगर बात करता है तो 0.1 से लेके 0.3 मिलीमीटर तक इसका आकार होता है, ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है। देखिए, अब हम बात करते हैं कि भाई हमें तो पता है कि बहुत सारी बीमारियां हमें जीवाणुओं के कारण हो जाती हैं, बट जीवाणुओं के बहुत सारे फायदे भी होते हैं। और एक कॉमन फायदा सबको पता है, ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, कि दूध से दही को जमाने में जो होता है जीवाणु हेल्प करते हैं, और लैक्टोबैसिलस उस जीवाणु का नाम है। तो लैक्टोबैसिलस से रिलेटेड सबसे पहले कुछ लाभदायक जीवाणु है जो हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, तो दूध से दही के जमने में लैक्टोबैसिलस जीवाणु हमारी हेल्प करता है। राइजोबियम, देखिए दलहनी फसलें जितने भी होती हैं उनके अंदर जो गाठे पाई जाती हैं दालों से रिलेटेड, तो जो वो गाठे होती हैं, पौधे वायुमंडल की जो नाइट्रोजन होती है वो इसको इस फॉर्म में यूज नहीं कर सकते, तो उसे नाइट्रेट के रूप में यूज करना होता है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन एक बैक्टीरिया होता है जो हेल्प करता है भूमि को उपजाऊ बनाने में, फर्टिलाइज करने में। तो राइजोबियम जो बैक्टीरिया होता है तो वायुमंडल या नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में बदलता है, और पौधे फिर उस फॉर्म में उसका यूज करते हैं। तो एसेटोबैक्टर ऐसे ही एक बैक्टीरिया होता है जो शुगर को किण्वन की सहायता से फर्मेंटेशन द्वारा सिरका में बदलता है। एसेटोबैक्टर एसेटी इसका पूरा नाम होता है, बट आप एसेटोबैक्टर याद रखिएगा, यहां से काम चल जाएगा। और इसके अलावा जो तंबाकू में स्मेल होती है या जो तंबाकू का टोबैको का जो स्वाद होता है वो किस बैक्टीरिया के कारण होता है, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो मेगाथेनियम माइकोकोकस एक जो बैक्टीरिया होता है उसके कारण तंबाकू में स्मेल होती है या जो टेस्ट होता है तंबाकू का, इसके कारण होता है। तो ये बेसिक चीजें हैं, ये आपने याद रखनी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हर चीज इसमें बहुत जरूरी है। अब हम बात करते हैं कि भाई जो डिसीज स्प्रेड होती है बैक्टीरिया के द्वारा वो कौन कौन सी हैं। इस पोर्शन से आपसे एग्जाम में बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं। तो जैसे हमने वायरस के लिए एक ट्रिक याद की थी, याद रखना इजी हो गया था हमारे विषाणु जो बोन डिसीज होती हैं, ऐसे ही हम बैक्टीरिया के लिए हम स्टडी करेंगे कि कौन कौन सी वो जो बीमारियां हैं वो बैक्टीरिया के कारण हो जाती हैं। तो उसके लिए हमने एक ट्रिक तैयार की है, उस ट्रिक को आप दो या तीन बार मेरे साथ बोलेंगे वो इजिली आपको याद हो जाएगी, कि आओ तुम प्लेन में कोई हैरानी नहीं, नियम टूटने से डरोगे तो काली खांसी की शिकायत हो जाएगी। आओ तुम प्लेन में कोई हैरानी नहीं, नियम टूटने से डरोगे तो काली खांसी की शिकायत हो जाएगी। ये 11 डिसीज हैं जो हमें बैक्टीरिया के कारण होती हैं और एग्जाम में आपसे बार बार पूछी जाती रही हैं। तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा स्टडी करते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है इस चीज से रिलेटेड वो हम देखेंगे। देखिए, हर डिसीज के बाद उसका इंग्लिश का नाम लिखा हुआ है बोर्ड पे, आपको देखने को मिल रहा है। ये नाम याद करना इसलिए जरूरी है क्योंकि कई बार एग्जामिनर हमें उस बीमारी के बैक्टीरिया का नाम पूछ लेता है, और मोस्टली डिसीज का नाम जो इंग्लिश नेम है उसी से रिलेटेड उस बैक्टीरिया का नाम है। तो हिंदी के नाम के साथ साथ आप इंग्लिश का नाम भी जरूर याद रखेंगे हर बीमारी के बारे में। सबसे पहले बीमारी की बात करते हैं तो आओ से हमारा बनेगा आंत्रज्वर, जिसको हम टाइफाइड कहते हैं। तो टाइफाइड से रिलेटेड एग्जामिनर पूछता है कि विडाल टेस्ट किस बीमारी के लिए किया जाता है, तो विडाल टेस्ट किस बीमारी के लिए किया जाता है, तो टाइफाइड के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है, ये आपने ध्यान रखना है। 3 या 4 दिन से ज़्यादा अगर फीवर हो जाता है और बुखार नहीं टूट रहा है तो हमें टेस्ट जरूर करवा लेना चाहिए, हो सकता है निमोनिया हो सकता है मलेरिया हो, या हो सकता है हमें टाइफाइड हो। तो ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है कि टाइफाइड का लक्षण क्या होता है, कि 3 या 4 दिन से ज़्यादा बुखार आए, ठीक ना हो, और पेट में मतलब प्रॉब्लम होती है, हमारे जलन होती है, ठीक है। ये टाइफाइड किस
किस चीज से होने वाले बीमारी है, तो दूषित पानी से होने वाली बीमारी है, पोल्यूटेड वाटर से भी ये हो जाता है, ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है, पोल्यूटेड वाटर की कमी से टाइफाइड होने वाली बीमारी है, ये आपने ध्यान रखना है। दो चीजें, विडाल टेस्ट होता है, 3 या 4 दिन से ज्यादा बुखार हो तो हमें विडाल टेस्ट करवा लेना चाहिए। और इसके जो बैक्टीरिया का नाम है वो है सोलमोनेला टाइफी, आपने याद रखना है सोलमोनेला टाइफी इसके बैक्टीरिया का नाम है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है सोलमोनेला टाइफी किस बीमारी के बैक्टीरिया का नाम है। तो टाइफी और टाइफाइड, ये देखिए सिमिलरिटी है दोनों के नाम में, तो बैक्टीरिया का नाम याद करना हमारे लिए इजी हो जाता है, सोलमोनेला टाइफी टाइफाइड का। तुम से बनता है तपेदिक, और तपेदिक को इंग्लिश में कहते हैं ट्यूबरक्लोसिस, शॉर्ट फॉर्म में इसे कहते हैं टीबी, ये सबने सुन रखा है। देखिए टीबी किस बैक्टीरिया की वजह से होता है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो माइको बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस ये टीबी के बैक्टीरिया का नाम है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है, हो सकता है माइकोबैक्टीरियम ही दे दे, ट्यूबरक्लोसिस ना दे ऑप्शन में, तो माइकोबैक्टीरियम के कारण होता है, पूरा नाम होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बीसीजी का टीका किस लिए लगाया जाता है, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में आ चुका है कि बीसीजी का टीका किस बीमारी के लिए लगाया जाता है, तो बीसीजी का टीका टीबी के लिए लगाया जाता है, इसकी फुल फॉर्म होती है बैसिलस कैलमेटी ग्यूरेन। 2019 में जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ था उसमें बीसीजी की फुल फॉर्म में ये पूछ रखा था कि सी स्टैंड्स फॉर व्हाट, तो बी से बनता है बैसिलस, ये हमें क्लियर है कि ये रोड टाइप का छड़नुमा बैक्टीरिया है, कैलमेटी और गुरेन ये दो साइंटिस्ट थे जिनके नाम पे इस टीके का आविष्कार हुआ है, तो बैसिलस कैलमेटी और गुरेन बीसीजी का जो टीका लगता है वो टीबी के लिए लगाया जाता है। प्लेग आपको पता है, प्लेग एक महामारी का रूप ले चुका था 1918 में, और ब्लैक डेथ भी इसे कहा जाता है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा, ब्लैक डेथ ये महामारी फैली थी और लाखों लोग इसमें मर गए थे, चूहों पर पाए जाने वाले पिस्सुओं के कारण ये फैला था, चूहों के पिस्सू जो होते हैं, चूहों पे जो पिस्सू पाए जाते हैं, पिस्सू को फ्लीज कहा जाता है इंग्लिश में, तो रैट फ्लीज के कारण ये बीमारी फैली थी, तो ब्लैक डेथ इसे कहा जाता है। तो इसका जो बैक्टीरिया था बैसिलस पेस्टिस, बैसिलस पेस्टिस इसके बैक्टीरिया का नाम है। देखिए बच्चों, बैक्टीरिया के नाम याद करने आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन इस चीज़ से रिलेटेड एग्जामिनर पूछता है आपसे, ये क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, और इंग्लिश के नाम मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश के नाम से रिलेटेड कहीं ना कहीं बैक्टीरिया का नाम जुड़ा हुआ है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों नाम आपने याद रखने हैं। तो कोड की अगर बात करते हैं तो इंग्लिश में कोड को कहा जाता है लेप्रोसी कहा जाता है, तो लेप्रोसी डिसीज यानी कोड जो बीमारी है किस तंत्र को प्रभावित करती है, तो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाली बीमारी है, ये पॉइंट आपने याद रखना है, कौन सा तंत्र प्रभावित होता है, तंत्रिका तंत्र को कोड प्रभावित करने वाली बीमारी होती है। इसके अगर बैक्टीरिया का अगर नाम पूछता है माइको बैक्टीरियम लेप्राई और लेप्रसी, ये देखिए दोनों सिमिलरिटी है बहुत नाम में, तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इंग्लिश का नाम याद करना उसके बैक्टीरिया का नाम याद करने के लिए बहुत जरूरी है हमारे लिए, ये नाम आपने याद रखना है। हैरानी से नेक्स्ट वर्ड बनेगा हमारा हैजा, हैजा को इंग्लिश में कहा जाता है कोलेरा, तो कोलेरा से रिलेटेड क्या चीज पूछी जाती है, ये सबको पता है किस वजह से होता है, दूषित पानी की वजह से होता है। दूषित पानी अगर हम पी लेते हैं तो हमें हैजा हो जाता है। हैजा के बैक्टीरिया का नाम क्या है, फिब्रियो कोलेराई,
कोलेराई और कलेरा इंग्लिश के नाम में फिर सिमिलैरिटी है, ये देखिए, तो बहुत इजी हो जाएगा नाम याद रखना अगर इंग्लिश का नाम इस बीमारी का आप साथ में याद करते हो तो। नेक्स्ट हमारा जो डिसीज बनेगी वो है निमोनिया। निमोनिया की स्पेलिंग सब बच्चों ने ध्यान से चेक करनी है। निमोनिया पी से स्टार्ट होता है, पी साइलेंट है इसमें, और ये इंग्लिश में भी जब क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं तो निमोनिया एक ऐसा वर्ड है जो स्पेलिंग चेक में बार बार आपसे पूछा जाता है, तो ध्यान रखना है कि निमोनिया भी किस वजह से होने वाली बीमारी है, ये जीवाणु यानी बैक्टीरिया के से होने वाली बीमारी है, ये पॉइंट याद रखना है। तो निमोनिया का जो बैक्टीरिया होता है वो होता है डिप्लोकोकस न्यूमोनाई। डिप्लोकोकस न्यूमोनाई इसके जो बैक्टीरिया का नाम है। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा बनेगा कि निमोनिया के लिए एक वैक्सीन लगती है, निमोनिया के लिए एक वैक्सीन लगती है, उस वैक्सीन की खोज किस साइंटिस्ट ने की थी? तो रॉबर्ट ऑस्ट्रियन एक साइंटिस्ट थे, उस साइंटिस्ट का नाम था रॉबर्ट ऑस्ट्रियन। रॉबर्ट ऑस्ट्रियन ने 1977 में निमोनिया के वैक्सीन की खोज करी थी, ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है। तो एक तो इसके बैक्टीरिया का नाम क्या है और कौन साइंटिस्ट थे जिन्होंने निमोनिया के वैक्सीन की, निमोनिया के टीके की खोज करी थी? तो रॉबर्ट ऑस्ट्रियन वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1977 में 1977 में निमोनिया के वैक्सीन की खोज करी थी। टेटनस, टेटनस भी एक ऐसी बीमारी है जो जीवाणुओं के कारण ही हमें होती है और उसके जीवाणु का नाम है बैसिलस टिटैनी। बैसिलस टिटैनी इसके जीवाणु का नाम है जिसके कारण ही होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो कौन सी बीमारी है जिसका बैक्टीरिया घाव से शरीर में प्रवेश करता है। देखिए, किसी को भी अगर चोट लग जाती है तो हम कहते हैं भाई टेटनस का इंजेक्शन लगवा लो, ये जरूरी भी है क्योंकि अगर वो इंजेक्शन ना लगे और टेटनस का बैक्टीरिया शरीर में चला जाए तो वो लाइलाज बीमारी होती है, डेथ के अलावा बंदे के पास कोई ऑप्शन नहीं होता। और ऐसा भी नहीं है कि इसका असर तुरंत दिख जाता है, ये हो सकता है सालों बाद वो बैक्टीरिया एक्टिव हो बॉडी में जाके, हो सकता है वो 10 साल बाद अपना असर दिखाए, बट एक बार अगर एक्टिव हो जाता है तो फिर कोई सोल्यूशन नहीं है उसका, कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो इसलिए जब भी हम इन्फेक्टेड होते हैं या चोट लग जाती है, इंजर्ड होते हैं, तो तुरंत 24 घंटे के अंदर बोला जाता है सिर्फ ये 10-11 रुपए का एक इंजेक्शन आता है, वो हमें लगवा लेना चाहिए, लापरवाही नहीं करनी चाहिए। तो बैसिलस टिटैनी इसके बैक्टीरिया का नाम है। टेटनस के इंजेक्शन की खोज किसने की, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो एमिल वॉन बेहरिंग, एमिल वॉन बेहरिंग ये जर्मनी के वैज्ञानिक थे, इन्होंने 1890 में टेटनस के वैक्सीन की खोज करी थी, टेटनस के इंजेक्शन की खोज करी थी। नेक्स्ट है हमारा डिप्थीरिया। तो डिप्थीरिया का जो बैक्टीरिया है उसका नाम है कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई जो बैक्टीरिया है इसके कारण हमें डिप्थीरिया बीमारी हो जाती है। अब डिप्थीरिया है क्या, बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो कौन सी बीमारी है जो सिर्फ बच्चों में होती है, बहुत छोटे शिशुओं में होती है। देखिए, मदर फीड के अलावा बच्चे को अगर हम कोई और दूध पिला देते हैं जिसमें इन्फेक्शन है, जिसमें बैक्टीरिया है, सपोज करो गाय का, भैंस का या किसी भी और चीज़ का, मदर फीड के अलावा, तो चांसेस होते हैं संक्रमण के, उसमें इन्फेक्शन आने के चांसेस रहते हैं, ये सच्चाई है। मदर के जो दूध को इसलिए सबसे बेस्ट माना जाता है क्योंकि उसमें इन्फेक्शन नहीं होता, वो अमृत के समान होता है बच्चे के लिए। बट कुछ फीमेल्स होती हैं, मजबूरी होती है, ब्रेस्ट फीड नहीं करवा पाती बच्चे को किसी भी कारणवश, तो अगर हम उन्हें बाहर से कोई भी दूध पिलाते हैं, ठीक है, तो और उस दूध में बैक्टीरिया है, तो उस दूध के कारण क्या होता है, संक्रमित दूध पीने के कारण बच्चे के गले में एक मेम्ब्रेन, एक झिल्ली बन जाती है जिसकी वजह से सांस नहीं आ पाता बच्चे को, और उस वजह से उस बच्चे की डेथ भी हो सकती है सांस ना आने की वजह से। तो डिप्थीरिया बच्चों में होने वाली एक जानलेवा बीमारी है जो संक्रमित दूध की वजह से होती है, ये पॉइंट आपने याद रखना है, संक्रमित दूध की वजह से गले में
एक झिल्ली बनने के कारण सांस नहीं आता, गले में एक झिल्ली एक लेयर बन जाती है जिससे बच्चे को सांस नहीं आता और उससे बच्चे की डेथ तक हो सकती है। तो काली खांसी की बात करते हैं, तो काली खांसी को कहा जाता है पर्टियोसिस, काली खांसी को कहा जाता है पर्टियोसिस। तो काली खांसी ये भी कॉमन है, खांसी अगर ज़्यादा दिन तक रह जाती है तो वो ज़्यादा इन्फेक्टेड कर सकती है, कंजेशन बन सकता है बॉडी में, चेस्ट में कंजेशन हो सकता है। तो पर्टियोसिस, इसका जो बैक्टीरिया है वो भी पर्टियोसिस, हेमोफिलस पर्टियोसिस के नाम से ही उस बैक्टीरिया को जाना जाता है, हेमोफिलस पर्टियोसिस, ये नाम आप याद रखेंगे। अब बात करते हैं सिफिलिस और गोनोरिया की, ये दोनों फीमेल्स में होने वाले बीमारी हैं। इनके बैक्टीरिया की बात करें तो पैलीडियम इसका बैक्टीरिया है सिफिलिस का, और गोनोरिया की बात करें तो निसेरिया गोनोराई, निसेरिया गोनोराई जो गोनोरिया जो डिसीज होती है इनका बैक्टीरिया है। ये दोनों फीमेल्स में होने वाले बीमारी है, और इसमें फीमेल्स अगर ज़्यादा प्रिकॉशंस नहीं करती हैं तो बांझपन की भी दिक्कत हो सकती है उनको, बांझपन की भी दिक्कत, इनफर्टिलिटी की भी प्रॉब्लम हो सकती है अगर प्रिकॉशंस वगैरह ज़्यादा नहीं रखती हैं तो, केयर नहीं करती हैं। तो इस पॉइंट का आपने ध्यान रखना है, ये दोनों फीमेल्स में होने वाली बीमारी है। तो ये मोस्ट कॉमन डिसीज थी जो ह्यूमंस में होती है, बैक्टीरिया जिनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जीवाणु जिनके लिए उत्तरदायी होता है। अब एक क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि डीपीटी का टीका किन बीमारियों के लिए लगता है। डीपीटी का टीका जो बच्चों में लगाया जाता है, तीन बीमारियां जो खतरनाक होती हैं उनसे रोकथाम के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। देखिए बच्चे का जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो बहुत कमजोर होता है, तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, उन जीवाणुओं के प्रति इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए एक डीपीटी का टीका लगता है। डी स्टैंड्स फॉर डिप्थीरिया, डिप्थीरिया, पी का मतलब है पर्टियोसिस यानी काली खांसी, पर्टियोसिस यानी काली खांसी, और टी स्टैंड्स फॉर टेटनस। तो डिप्थीरिया के लिए, पर्टियोसिस के लिए और टेटनस के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है। इस डीपीटी के वैक्सीन की खोज किसने की थी, ये एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, अभी तक ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है बट आगे पूछा जा सकता है। तो लीला डेनमार्क एक साइंटिस्ट थी, लीला डेनमार्क, ये एक अमेरिकन डॉक्टर थी, डेनमार्क से आपने कंट्री का नाम ध्यान नहीं रखना है, तो लीला डेनमार्क ये उनका नाम था। 1930 में उन्होंने, एक अमेरिकन डॉक्टर थी बच्चों की, और 1930 में उन्होंने डीपीटी के वैक्सीन की खोज की थी। ये वही टीका है जिसको लगाने पे स्वेलिंग और बच्चे को बुखार तक भी आता था, पहले स्वेलिंग होती थी, बुखार आता था 2-3 दिन तक, और वो अच्छी बात मानी जाती थी कि वो शो करता था कि इस बच्चे में उस बीमारी को लेके कहीं ना कहीं इम्यूनिटी स्ट्रांग है उसको लेके, तो इसलिए जिसे बुखार हो जाता था वो अच्छी बात मानी जाती थी। बट डीपीएटी एक नया टीका आया, तो ये टीका है जिसमें बच्चे को दर्द नहीं होता है और बुखार नहीं आता है बच्चे को। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि डीपीटी के टीके में तो बच्चे को बुखार आता था, पेन भी होता था, रेडनेस भी होती थी, स्वेलिंग भी आता था, तो वो कौन सा टीका है दर्द रहित टीका जो डीपीटी इन्हें तीन बीमारियों के लिए लगता है और बच्चे को दर्द और बुखार नहीं होता है। ये डीपीटी स्टैंड्स फॉर द सेम डिसीज जो यहाँ पे लिखा हुआ है, डिप्थीरिया पर्टियोसिस और टेटनस। ए से स्टैंड, ए का मीनिंग है इसमें एसेल्युलर, एसेल्युलर यानी डिप्थीरिया पर्टियोसिस एंड एसेल्युलर टेटनस, ये इसकी फुल फॉर्म बनेगी। अब एक दो मेन पॉइंट और आपने नोट करने हैं, वो नाम याद रखने हैं कि जो जैसे धान का जो फसल होती है, जो भूमि में उसकी ज़्यादा पैदावार हो तो कौन सा बैक्टीरिया होता है, ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था। तो एनाबिना बैक्टीरिया आपने याद रखना है, एनाबिना बैक्टीरिया, एनाबिना जीवाणु वो जीवाणु है जो धान के फसलों में, ये खासकर काई में भी पाया जाता है, जो ज़्यादा अच्छे से नमी को बांध के रखता है और मृदा को, मिट्टी को ज़्यादा उपजाऊ बनाता है, फोटोसिंथेसिस अच्छा होता है उसका। तो एनाबिना धान की फसल के लिए सबसे जरूरी बैक्टीरिया, ये पॉइंट आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक ऐसा बैक्टीरिया भी होता है जो आंत में पाया जाता है, इंटेस्टाइन, आदमी की जो आंत होती है उसमें पाया जाता है, तो उस बैक्टीरिया को कहा जाता है ई कोलाई,
ई कोलाई के नाम से उस बैक्टीरिया का नाम है जो आंत में पाया जाता है, जो बीमारी का कारण कि मनुष्य की आंत में कौन सा बैक्टीरिया, छोटे आंत में ये पाया जाता है, ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है। देखिए छोटे आंत से रिलेटेड जब भी हम बात करते हैं तो इसमें दो चीजें हैं, एक तो छोटी आंत हमारे पाचन के लिए बहुत जरूरी होती है। क्वेश्चन पूछे एग्जामिनर आपसे कि शरीर का कौन सा अंग खाने के पाचन के लिए जरूरी होता है, किस भाग में खाना पचता है, तो वो है आपकी छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में एक हमारा बैक्टीरिया होता है ई कोलाई, ठीक है, तो इसकी वजह से इन्फेक्शन आ सकता है। दूसरा इन्फेक्शन बहुत कॉमन है, एस्केरियासिस एक डिसीज होती है, एस्केरिस, तो एस्केरिस ये एक पैरासाइट होता है यानी परजीवी होता है, इसका पूरा नाम है लुम्ब्रिकॉइड्स, एस्केरियस लुम्ब्रिकॉइड्स। लोकल भाषा में अगर बात करते हैं तो जून बोल देते हैं कि जून होगी, या जो छोटे पशु होते हैं गाय या भैंस के छोटे वो होते हैं बछड़े होते हैं या जो भैंस का कटड़ा होता है, तो उसको कई बार क्या होता है कि पेट में जुए टाइप में या जून टाइप में लोकल भाषा में अगर बात करते हैं तो इस चीज को बोला जाता है। तो एस्केरियस लुम्ब्रिकॉइड्स ये एक गोलकर्मी होता है, गोल पैरासाइट्स होता है जिसकी वजह से पेट खराब हो जाता है और बहुत सारी बीमारियां पशुओं में हो जाती हैं और जानवरों में। आंत में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, ई कोली। बैक्टीरिया की बात करें तो ई कोली आपने याद रखना है, और पैरासाइट या परजीवी या गोलकर्मी कीड़े की बात करें तो एस्केरियस लुम्ब्रिकॉइड्स उसका नाम है, जिसकी वजह से एस्केरियासिस एक बीमारी हो जाती है। तो ये तो थे ह्यूमंस में होने वाली बैक्टीरिया के कारण जो मेन बीमारियां हैं। अब कुछ बीमारियां जो पशुओं में भी हो जाती हैं वो है लंगड़ा बुखार, गलघोंटू, गिल्टी और मैस्टिटिस। देखिए लंगड़ा बुखार को ब्लैक क्वार्टर कहा जाता है, इसमें हार्ट बीट जो पशु की जो हार्ट बीट होती है वो बहुत ज्यादा तेज हो जाती है, तेज बुखार आता है उसे। गलघोंटू को हेमोरेजिक फीवर या हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया भी कहा जाता है, गिल्टी और मैस्टिटिस। मैस्टिटिस यानी एक पशु के जब थन खराब हो जाते हैं तो मैस्टिटिस उस बीमारी को कहा जाता है। ये बीमारी भी जो एनिमल्स में होती हैं, पशुओं की जो बीमारियां हैं ये भी बैक्टीरिया के कारण ही होती हैं। अब ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, इम्पोर्टेंट कंसेप्ट थे, आपने जो सभी के सभी याद रखने हैं कि बैक्टीरिया से रिलेटेड एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट टॉपिक जो हम कवर करने वाले हैं वो है हमारा परजीवी से रिलेटेड। तो जैसे हमने ट्रिक की थी बैक्टीरिया के लिए, परजीवी के लिए भी हम सेम कंसेप्ट फॉलो करेंगे। एक ट्रिक है याद रखेंगे, परजीवी के कारण पांच मेन बीमारियां जो आपसे एग्जामिनर पूछता है कि भाई वो कौन कौन सी होती हैं। देखिए परजीवी की अगर बात करते हैं तो उससे रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन करते हैं हम पहले, उसके बाद बीमारियों की बात करेंगे। तो परजीवी जो होते हैं, कार्ल वॉन मोल वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने परजीवी को नामकरण किया, परजीवी को परजीवी के नाम से जाना। परजीवी की खोज करने की बात करते हैं तो खोज किसने की, नामकरण, परजीवी नाम दिया था कार्ल वॉन मोल ने। अगर इसकी खोज की बात करें तो खोज में दो वैज्ञानिकों का नाम आता है, एक का नाम है गोल्ड फब और दूसरे साइंटिस्ट आप जो पढ़ चुके हैं बैक्टीरिया में कि परजीवी के बारे में भी सबसे पहले ल्यूवेन होक ने ही बताया था, तो या तो गोल्ड फब या ल्यूवेन होक, ये दोनों नाम आपने याद रखने हैं, इन दोनों में से एक ऑप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके प्रकार कितने होते हैं। परजीवी जैसा इसके नाम से ही संबंधित है कि भाई ये किसी दूसरे के शरीर पे जाके आश्रय लेता है, परजीवी, पैरासाइट इंग्लिश में इसको कहा जाता है, प्रोटोजोआ कहा जाता है। तो ये चार टाइप के होते हैं, एक अमोबॉइड यानी अमीबा के आकार का होता है, जैसे एंट अमीबा जो जब पेचिस हो जाती है, लूज मोशन हो जाते हैं, तो किस प्रोटोजोआ की वजह से होते हैं, वो होता है एंट अमीबा। दूसरा आता है फ्लैजिलेटेड, फ्लैजिलेटेड मतलब जिसकी पूंछ होती है, फ्लैजिला कहा जाता है पूंछ को। तो ट्राइपैनोसोमा एक पैरामीशियम टाइप का ये प्रोटोजोआ होता है, परजीवी होता है। दूसरा होता है सिलिएटेड, सिलिएटेड मतलब एंटीना टाइप में जो होते हैं, जिसकी बॉडी पे बहुत सारे एंटीना, बहुत सारे छोटे छोटे एंटीना टाइप में होते हैं, तो सिलिएटेड का एग्जाम्पल है पैरामीशियम। और स्पोरोजोन्स ये सबसे खतरनाक परजीवी होता है, जो प्लाज्मोडियम जो ये मलेरिया के अंदर भी पाया जाता है। तो स्पोरोजोन्स ये चार प्रकार के, जिसमें स्पोरोजोन्स मतलब स्पोर यानी छेद, जिसकी बॉडी में छेद पाए जाते हैं, तो प्लाज्मोडियम जो मलेरिया का परजीवी होता है ये इसी का एग्जाम्पल है।
अब इस रिलेटेड अगर बीमारियों की हम बात करें, परजीवी से रिलेटेड कौन कौन सी मुख्य बीमारियां हमें हो जाती हैं, तो उसको याद करने के लिए एक ट्रिक हमने जो अपनाई है वो सिंपल ट्रिक है बहुत, कि सपोज को एक सिटी में एक नया एसडीएम आया था और वो पियक्कड़ था, बहुत पियक्कड़ यानी डिप्सोमैनिक, जो बहुत ज़्यादा शराब का आदि होता है। डिप्सोमैनिया एक वर्ड है जो यूज़ किया जाता है, जो पर्सन बहुत ज़्यादा शराब, वो डिप्सोमैनिक था यानी पेकड़ था। तो उसके लिए एक ट्रिक हमने की है कि एसडीएम पी के पड़ा है, भाई कोई शुद्ध बुद्ध नहीं थी उसे काम की, वो पीता था और पड़ा रहता था। इसी से रिलेटेड ट्रिक है परजीवी के नाम याद रखने के लिए कि एसडीएम पी के पड़ा है। तो एस से बनता है स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस यानी निद्रा रोग है ये एक। स्लीपिंग सिकनेस क्या है? निद्रा रोग है, नींद से रिलेटेड इसमें। और स्लीपिंग सिकनेस एक सीसी मक्खी की वजह से फैलता है, एक मक्खी होती है जिसे सीसी मक्खी कहा जाता है, इसमें टी साइलेंट है, सीसी मक्खी से प्रोनाउंस किया जाएगा, सीसी मक्खी की वजह से ये रोग हमें होता है। और इसके परजीवी का नाम है ट्राइपैनोसोमा, ट्राइपैनोसोमा। तो परजीवी का नाम, इससे रिलेटेड तीन चीजें याद रखनी है, निद्रा रोग सीसी मक्खी की वजह से होता है, ट्राइपैनोसोमा इसके परजीवी का नाम है। डायसेंट्री पेचिस होना, लूज मोशन होना, दस्त लगना, पेचिस डायसेंट्री कहा जाता है। ये भी एक परजीवी प्रोटोजोआ की वजह से होता है और इसका जो परजीवी का नाम है वो है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ये नाम आपने याद रखना है, इसकी वजह से हमें डायसेंट्री या पेचिस हो जाता है। मलेरिया की अगर बात करते हैं तो इस पोर्शन में, इस प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियों के लिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं मलेरिया से। तो मलेरिया किस मच्छर से फैलता है? तो एनाफ्लीज, एनाफ्लीज जो मच्छर होती हैं, मादा एनाफ्लीज मच्छर जो होती हैं उनकी वजह से मलेरिया फैलता है, ये ध्यान रखना है। मलेरिया के परजीवी का नाम है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम परजीवी की खोज कसरे दिया जाता है रोनाल्ड रोस को, रोनाल्ड रोस को। और मलेरिया की रोकथाम के लिए जो दवाई यूज की जाती है वो की जाती है कुनैन, और कुनैन प्राप्त होती है सिनकोना, एक पेड़ है सिनकोना की छाल से। और सिनकोना की छाल के अलावा एक जो इंजेक्शन लगता है वो लगता है आर्टिथर का, आर्टिथर का इंजेक्शन। तो मलेरिया से रिलेटेड जो जितने भी चीज़ें की हैं आपने बोर्ड पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सारे की सारे चीज़ें। एक बार रिवाइज करते हैं, मलेरिया का किसकी वजह से फैलता है? मादा एनाफ्लीज मच्छर की वजह से। उस मच्छर पे कौन सा परजीवी होता है? उसका नाम है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम परजीवी की खोज किस साइंटिस्ट ने की थी? रोनाल्ड रोस ने की थी। भाई खोज तो कर ली परजीवी की, अब इलाज के लिए क्या कहेंगे, कौन सी दवाई देंगे? तो कुनैन की जो गोलियां होती हैं मार्केट में, लैरियागो नाम से आती हैं, ये नाम आपने बहुत सुना होगा, लैरियागो, इस नाम से ये टैबलेट आती है कुनैन की, तो वो मलेरिया के लिए दी जाती है। अब जो ये कुनैन है वो कहाँ से मिलती है? सिनकोना एक पेड़ होता है, उसका जो बार्क होता है, छाल होती है, बक्कल होता है, उससे हमें ये प्राप्त होती है। और उस पेड़ के अलावा, इसके इस टैबलेट के अलावा एक इंजेक्शन भी लगता है, ये भी एक एग्जाम में पूछा जा चुका है कि किस चीज़ का इंजेक्शन लगता है मलेरिया के लिए, क्या नाम है उसका? तो आर्टिथर का एक इंजेक्शन होता है, वो मलेरिया के लिए लगता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सारी, गौर करने लायक बात है, ध्यान से नोट कीजिएगा सारी चीजें। पायरिया की बात करते हैं तो दांतों से खून आना, दांतों से खून आने की बीमारी को, मसूड़ों से, मसूड़े कमजोर होना, दांतों या मसूड़ों से खून आने की बीमारी को हम कहते हैं पायरिया कहते हैं। तो इसके रोकथाम के लिए विटामिन सी के फल हमें लेने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विटामिन सी ज़्यादा से ज़्यादा या रसदार फल ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लेने चाहिए। और इसके इसके प्रोटोजोआ का जो नाम है वो है जिंजिवलिस के नाम से,
जिंजिवालिस के नाम से, इसके प्रोटोजोआ का नाम है। अब कालाजार की बात करते हैं तो तेज बुखार आता है कालाजार में, ये भी प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। लिशमैनिया दोनों में, लिशमैनिया डोनोवानी इसके प्रोटोजोआ का नाम है, और ये फैलता है बालू मक्खी से, बालू मक्खी से ये प्रोटोजोआ फैलता है, जिसे कहा जाता है सैंड मीन्स बालू और फ्लाई मीन्स मक्खी। तो बालू मक्खी से कौन सी बीमारी फैलती है ये पेपर में पूछा जाता है, तो वो है कालाजार आपका। तो ये प्रोटोजोआ से होने वाली मेन बीमारियां हैं जो आपने याद रखनी है, इन चीज़ों का ध्यान रखना है जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। देखिए मलेरिया की अगर हम बात करते हैं, ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है, मैं दोबारा से रिपीट करवा रहा हूँ कि मादा एनाफिलीज मच्छर की वजह से होता है, और ये गौर करने लायक है। देखिए 400 से ज़्यादा प्रजातियाँ पाई जाती हैं मच्छरों की, जिनमें से लगभग 60 प्रजातियाँ होती हैं वो बीमारी फैलाती हैं, और बीमारी ज़्यादातर फीमेल मॉस्किटोज होती हैं वो फैलाती हैं। उसका रीज़न होता है सिर्फ फीमेल मॉस्किटोज ही आदमी का खून चूसती हैं, एक ह्यूमंस को जो या एनिमल्स का जो खून चूसने का काम करती हैं वो करती हैं सिर्फ फीमेल्स मच्छर। 60 प्रजातियां ऐसी होती हैं जो बीमारियां फैलाती हैं, और 60 प्रजातियों की अगर बात करें तो एनाफिलीज, मलेरिया, एडीज इजिप्टी, ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए, एडीज इजिप्टी और एडीज एल्बोपिक्टस, एडीज इजिप्टी और एडीज एल्बोपिक्टस, इसके कारण डेंगू होता है ये आपने पढ़ लिया था। और क्यूलेक्स प्रजाति, क्यूलेक्स पर जो प्रजाति होती है मच्छरों की, येलो फीवर जिसके कारण होता है आप ये पढ़ चुके हैं, या जैपनीज इंसेफेलाइटिस जैसी बीमारियां होती हैं ये आप पढ़ चुके हैं। तो आपने ये पॉइंट ध्यान करना है। देखिए ये एनाफिलीज जो है प्रजाति, ये ज़्यादातर पाई जाती है अफ्रीका महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप में इसके ज़्यादातर अधिकता होती है। एडीज इजिप्टी और ये एल्बोपिक्टस होते हैं ये एशिया में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, एशिया में। और क्यूलेक्स प्रजाति के जो मच्छर होते हैं ये अमेरिका में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। ये मच्छर सबसे ज्यादा इन देशों में पाए जाते हैं, और इनके कारण ये बीमारियां हमें हो जाती हैं, आप पढ़ चुके हैं तो इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है। देखिए मच्छर के बारे में थोड़ा सा हम स्टडी और कर लेते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। मच्छर के मुंह में ना देखिए दो प्रोबोसिस एक डिवाइस होता है, प्रोबोसिस एक उपकरण होता है उसके मुंह में, जिसमें दो कैपिलरीज होती हैं। एक कैपिलरी से वो लार छोड़ता है, जब डंक मारता है तो डंक के थ्रू लार अपनी लार स्किन में छोड़ देता है, जहां से उसका जो परजीवी है वो हमारे शरीर में आता है, और दूसरे से वो खून चूसता है, दूसरी कैपिलरी से खून चूसता है, और एक बार में एक मच्छर 0.01 ml खून चूसता है, एक बार में 0.01 ml खून चूसता है, यानी अगर 5 लीटर 6 लीटर खून होता है एक स्वस्थ आदमी के शरीर में, और पूरा खून चूसना है एक मच्छर को तो 2 लाख डंक मारने पड़ेंगे उसे कम से कम। तो बहुत सारे ऐसे मच्छर होते हैं जो बीमारियां का कारण होते हैं, प्रोटोजोआ को स्प्रेड करते हैं, वो एक होस्ट का काम करते हैं और फैलाते हैं बीमारियों को। तो ये आज जो टॉपिक हमने कवर किया है ये है हमारा जीवाणु और प्रोटोजोआ यानी परजीवी के कारण होने वाले बीमारियां। होप सो यू विल लाइक दिस। कंप्लीट चीज़ें हमने कोशिश की है कि सिर्फ एक वीडियो लेक्चर में डालें, जैसा कि हमारी कोशिश है, हमारा एम है वीडियो लेक्चर बनाने के पीछे कि उस चीज़ से रिलेटेड आपको कोई दूसरी वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी, एक सिंगल वीडियो में उस चीज़ से रिलेटेड सारे कंसेप्ट सारे डाउट आपके हम क्लियर करेंगे। और अब 25 क्वेश्चंस का सेट जैसा कि हर वीडियो के एंड में हमारा रहता है, इन सब चीज़ों से रिलेटेड अगर वीडियो आपने अच्छे से देखा है, अच्छे से गौर किया है, आप कम से कम इस वीडियो को 2 बार कंप्लीट देखिए, इस चीज़ से रिलेटेड सारे डाउट आपके दूर हो जाएंगे, और बाद में उन 25 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। अगर 25 के 25 क्वेश्चंस ठीक होते हैं आपके तो मैं समझूंगा आपने अच्छी मेहनत की है, अच्छे से वीडियो को देखा है। और हम गारंटी लेते हैं आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की कर रहे हैं या पुलिस की कर रहे हैं, एयरफोर्स की कर रहे हैं या यूपीएससी वगैरह के लिए आप जा रहे हैं,
तो हमारे वीडियो उसमें आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे, आपका टाइम भी सेव करेंगे, क्योंकि एक वीडियो में हम कंप्लीट कोशिश करते हैं सारी चीज़ों को डालने की। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।